हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जस्ट अभी खाना ही वहाँ पे अभी मैं खाना ही बना रही थी, और मेरे को मैं ऐसे ही खाना बना रही थी तो थोड़ा सा ब्लॉग लगा दी किसी का कि देखो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा एकांत में घर है तो थोड़ा डर लगता है मेरे को। तो मैं एक ब्लॉग देख रही थी, उसमें उसमें क्या बोल रही थी कि हाँ वो कहीं घूमने गई थी, रागनी ब्लॉकिंग करके था ऐसे कुछ चैनल का नाम था। अच्छा वीडियो बनाती है, बहुत अच्छा बनाती भाई, काफी हाई फाई वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छा लगा। तो वो कहीं गांव में घूमने गई थी, बोली वाओ क्या गांव का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में आके, और गांव के लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और मुझे गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा लगता है। क्यों, मैं कहने वाली थी जो कही है, बट उन्होंने कहा ये चीज कि मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही थोड़ा सा पैर से कीचड़ लगा तो बोली आउच, छी 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 छी, ये क्या है? क्यों भाई, गांव के लोग ना कीचड़ में से ही चल के अनाज उगाते हैं, तो आप लोग खाते हो ठीक है, गांव के लोग पसंद है, गांव का व्यू पसंद है, लेकिन गांव का काम नहीं पसंद आएगा। ते मुझे मतलब हंसी आ रहा था कि कीचड़ लगने पे थोड़ा सा बोल रही है छी, ये सब क्या है, बफेलो नहीं, बोली बफेलो का पॉटी है। वही वही बफेलो का पॉटी, हम लोग पाथ पाथ के चिपड़ी उसका खाना पकाते हैं। और मुझे ना, मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन मुझे गांव के लोग पसंद है, गांव का वो जो मिट्टी का घर होता है वो मुझे बहुत पसंद है। आके रहो मिट्टी वाले घर में तो पसंद आएगा। क्यों लग्जरी लाइफ जी रहे हो भाई, है बड़ी बड़ी कार चाहिए, बड़ी बड़ी घर चाहिए, और नाम गांव वाले को लेके ये कर रहे हो हैं। तो कोई बात नहीं भाई, गांव वाले की भी अपनी जिंदगी है और बहुत अच्छी जिंदगी होती है। तो उन लोगों का अपना जिंदगी है और गांव वाले का अपना जिंदगी, लेकिन मैं गांव वाले की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं गांव में हूँ। और दूसरी बात कि जितनी गांव वाले मेहनत करते हैं शायद किसी में दम नहीं है कि मेहनत करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। जितने गांव वाले खट के अनाज उगा करके दे देते हैं ना, उतने उन लोगों को मेहनत की भी 4% की भी नहीं मिलती है। आप 10% में से ले लो तो 4% भी उन लोगों की मेहनत की मजदूरी नहीं मिलती है। सोच लो आप, इतनी मेहनत करते हैं वो। गांव के लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और कमाई कम करते हैं, कमाई इसीलिए कम करते हैं तो लोग गरीब रहते हैं, बिल्डिंग नहीं बनवा पाते। वो अपने खाने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी जुटा ले उतना ही काफी है, छत सर ढकने के लिए रख ले तो उतना ही काफी है। वो बड़ी बड़ी गाड़ी या बड़ी बड़ी महल नहीं सोचते हैं कि मेरे पास हो जाए, वो सोचते हैं कि 2 बच्चे हैं मेरे, 1 बच्चे हैं तो उन लोगों का अच्छे से शादी विवाह हो जाए, उन लोगों का अच्छे से घर हो जाए और हम लोगों की जिंदगी कट जाए, बस वो उनकी इतनी ही इच्छा होती है क्योंकि वो आगे की सोच ही नहीं पाते। दिक्कत ये भी है गांव वालों की कि वो आगे नहीं सोचते हैं, बस थोड़ा ही इन्वेस्ट करते हैं और थोड़े में ही खुश रहते हैं, क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ज्यादा नहीं कुछ कर पाओगे, आपको ज्यादा करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम खर्च करोगे कम मिलेगा। तो ठीक भी है, उन्होंने बहुत अच्छा चीज कहा और मुझे मुझे थोड़ा सा वो लगा तो मैंने वीडियो बना दिया। बट आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।